हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाइकिंग करने के लिए जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी। हाइकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप सबसे पहले जल्दी जल्दी उठें। आई मीन टू से कि सूरज के उठने से पहले आपका उठना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या होगा, आप सुबह सुबह उठे, नहाएं धोएं, फ्रेश हो, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप फौरन ही हाइकिंग के लिए निकल जाएं। तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है हाइकिंग करने का। अगर आपने नाश्ता करना है तो हल्का फुल्का कर लें नाश्ता, लेकिन हैवी नाश्ता नहीं करना। बगैर नाश्ते के हैं तो वो ज़्यादा बेटर है हाइकिंग करना। अगर आपने हाइकिंग में एंजॉय करना है, कुछ दोस्तों को भी पकड़ लेना, अकेले बोर हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है, कर लो तो बेहतर है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद हाइकिंग करो, आपकी डेस्टिनेशन जो होनी चाहिए मुनाल होनी चाहिए। मुनाल पे आपने जाके हैवी सब ब्रंच करना है अगर आपके पास कुछ पैसे हैं। बोलो भाई, मैंने नहीं कहा था सीधा रास्ता ले लो। रुकमान भाई जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे हाइकिंग करके? गुड। गाड़ी एग्जॉस्ट हुई है, सन ऊपर से नजर आ रही है। फीलिंग एग्जॉस्टेड बट एक्साइटेड। ओके ओके, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्रदर। भाईजान हालात बहुत टाइट हैं, हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं भाईजान। धुआं निकल रहे हैं, धुआं तो मतलब नहीं, पसीने निकल रहे हैं। नाश्ता भी नहीं किया आपके भाई ने, कैसे कैसे होगा ये? इसे कहते हैं जुनून। जो जुनून की हालत में जाए ना, वो इस तरह का बंदा होता है। भाईजान मैं आपको बता दूं, मुझ में इस जैसा कोई जुनून नहीं है। ये बकफ वाली मिर्चें थी जो हमने लुकमान भाई को लगाई। कौन सी मिर्चें? बकफ वाली मिर्चें। वो कौन सी? तो मुझे भी नहीं पता। वो आपने जो भी नहीं लगाई। अच्छा हाँ, अच्छा ये वाली। ठीक 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 ठीक। भैया मैं तो सीधा रास्ता, मैंने नॉर्मल रास्ता ले लिया। मेरे साथ और कौन कौन कैंडिडेट है? नवीद भाई है, अभिजाई भाई है। भैया यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो गए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे जाके मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ज़रूर, बट रास्ते जुदा हो गए। ये देखना, ये नीचे भी जाते हैं रास्ता। ये रास्ता गलत जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम ऊपर। भाई किस लिए आए तुम? दोबारा जा रहे हो पीछे? आए मेरे साथ, पागलों की तरह। ये भाई जान की बात हो रही है। हम उधर इसे क्या कहते हैं? देता नहीं है और देता भी मुझे नहीं पता, बट सिटिंग प्लेस पर पहुंच गया। तो हम भाई जान यहाँ पे रेस्ट करेंगे। हमारे लिए यही टॉप है, हमारे लिए यही टॉप है भाई जान, हमारी होगी। हाँ भाई, पहुंच गया तू? हमसे तो बहुत देर पहले भाई जान, आपकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है भैया। और भाई ये तो जिन है, जिन जल्दी जल्दी आ गए भाई जान। हम तो इंसान हैं, हम तो आराम आराम से पहुँचे। रुको 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 रुको, आप करो। ओ ये गुड जॉब, गुड जॉब। ये जो यूसुफ भाई है ना, यूसुफ भाई, इनको फिल्म अवार्ड और जो भी कौन सा फिल्म अवार्ड होता है, अच्छा पता नहीं है ना। पेंडू भैया हूँ भैया, पहली बार ये काम कर रहा हूँ तो इसलिए पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमें सिखाएंगे थोड़ा बहुत एडिटिंग का, चलें इनसे थोड़ी मेंटरिंग करेंगे हम। चलें लेट्स गो ब्रदर। भाई मुझे आपके भाई का जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके भाई की बात में हंसता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई जान। आपका भाई प्योर डीट है, प्योर बेहद शर्म,
ठीक है ना, बेशरम अच्छा बेशरम, असल में उर्दू भी नहीं ना आती ना यार, क्या करें, बड़ी दूर से आए हुए हैं यार। कितना दूर से? ये टेन से? हाँ तो अर्स टू से आए हुए हैं हम। हाँ जो यहाँ पे जो कानूनी बन ली उसको तो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहा। अभी ये आखिरी चढ़ाई आएगी वो देख के बंदी का तरह निकल। मैं कहता हूँ आज दरमियान रास्ता है वो आगे के दरमियान सर। हाँ मैं कहता हूँ सर, हाँ वो आएगा सर। मैं कहता हूँ बात तो सुने ना मेरी, मैं कहता हूँ मुनाल पे जो है ना नाश्ता वगैरह करते हैं, क्या कहते हैं आप, ब्रंच करते हैं? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम कर लेंगे, वैसे हमारा मूड नहीं है नाश्ते की खातिर हम खा लेंगे। ठीक ठीक है, मेरा दिल रखने खातिर खा लोगे? अच्छा अच्छा, आप तो बड़े अच्छे लोग हो यार। फिर तो दोनों ठीक है, मुनाल का सही है, मुनाल का सही है। वालेकुम सलाम चाचा जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये हमारे चाचा जी हैं, यहाँ पे रोज़ आते हैं माशाल्लाह मजदूरी वगैरह करने, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, तरक्की दे, बहुत शुक्रिया चाचा जी, सेहत दें, आमीन। कोई भी चीज़ करने के लिए ना माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो रिफ़्रेशमेंट के लिए हमें एक अच्छी सी जगह चाहिए जहाँ पे हम रिफ़्रेशमेंट कर सकें, और वो हमें लकीली मिल गई है। खुशी की बात ये है जी, यूसुफ भाई दिल के बहुत बड़े यार, मुझे 3 महीने हो गए क्लास में, वे भी पसंद नहीं है लेकिन ये दोस्तों के लिए लेकर क्या सर, यूसुफ भाई आपकी क्या बात, हमारे लिए जामशीरी भी लेकर आए हैं, जामशीरी भी लेके आए, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता हूँ इस वेवी को जो है ना खोलते हैं, खोले हैं इसको नवीद भाई, मैं तो इधर भी खाऊंगा उधर भी आगे खाऊंगा। तूने सर शाम के भी 2 जूस जो है ना वो पिए थे, मुझे पता है क्या, लेज में से ना वे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जो फ्री वाले हों, जो सर फ्री वाले हों उनका बहुत ज्यादा मजा आता है। यम्मी लगमान भी आप लेंगे? वैस भाई को भी करें, फेदर भी करें, वो नहीं खाते, हसा भी खाना है, मेरा रोजा नहीं है। अच्छा मेरा रोजा बनना है, लुकमान भाई का रोजा नहीं सुनने में आया, यार ये कौन देख रहा है, अल्लाह पाक उस बंदे को ना सही हेलो रिस्क में जो है ना बरकत दे, अल्लाह शादी से पहले आमीन। भाई जान यहाँ पे अब जो है ना रिफ्रेशमेंट सेंटर हो गया स्टार्ट, वे भी बहुत शानदार है, कॉफी पेस्ट कर सकता हूँ, नाम याद नहीं ना आपका, पानी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी जितना हमने सफर किया उतना सफर अभी बाकी है, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमने फिर दोबारा जाना है, और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो मुनाल है, तो मुनाल पे जाके हमने ब्रंच करना है, तो उसके बाद देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। जेब में पैसे हैं नहीं, मुनाल ही ब्रंच करने आज का हमारा हमारा जो मोटिव था ना वो कि हमने क्या हम रैपर्स इकट्ठे करेंगे, तो आपने ये रैपर्स फेंकना नहीं है, रैपर ठीक हो गया, ठीक है हमने इकट्ठे करने चापा नहीं फेंकने भाई, आज तो फेंकने भाई हाइकिंग करना तो एक ड्रामा था, हम एक्चुअली यही काम करने आए थे, हम एक जज्बे के साथ जाएंगे इंशाल्लाह जरूर हाइकिंग करने। ये भाई मुझे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये एक्साइटेड हैं कि नहीं है भैया, क्या ऊंचा बोले इसमें आवाज नहीं आती, एक्साइटेड किस लिए है, चढ़ने के लिए किस पे? अच्छा अच्छा, तो ये भाई जान ये एक्साइटेड है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना, आपने सुन लिया होगा, ठीक है ना, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं। आप भैया कोई बैग वगैरह लाए हो? ये वाले एक्स्ट्रा पॉलिथीन बैग लाए हो कुछ? तो वो निकालो और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो, छोटा छोटा सामान डालो ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज आ सके। अच्छा जी, तो भाई जान हमने अब ये जो हमारा एक मोटिव था कि हमने वापसी पे
बैग्स जो यहाँ पे रैपर्स वगैरह पड़े हैं वो हमने लेके जाने हैं, और हमने जो एनवायरनमेंट है वो हम पहले से ज़्यादा क्लीन छोड़ के जाएंगे। तो हम ये एक लेसन भी देना चाह रहे हैं दूसरों को कि हाँ भी वो जब भी आया करें, अगर वो चीज़ें सामान साथ भी लाते हैं तो वो काइंडली ये हम पे रहम किया करें, इस नेचर पे रहम किया करें कि वो यहाँ पे गंद ना किया करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लो तो बेहतर है। जब आप दोस्तों के साथ हाइक करते हो ना तो आपको भी वही करना पड़ता है जो आपके दोस्त कर रहे होते हैं साथ साथ, बिकॉज क्योंकि अगर आपने भी गेम में रहना है तो यू नीड टू जस्ट फॉलो देम और दे नीड टू जस्ट फॉलो यू, ठीक है। तो हमने भी ऐसे किया फिर, तो उसमें से एक जो हमारा दोस्त था ना, तो उसने कोई लाइव एडवर्टाइजमेंट देखी हुई थी एरियल की, तो उसने हमें बताया कि मैं ऐसे बोलूँगा और आपने ऐसे बोलना है, तो हमने वैसे किया। और जी आप ये सही सुन रहे हैं कि हमने लाइव एडवर्टाइजमेंट भी की एरियल की, और वो भी हाइकिंग से। जी हाँ, बगैर नाश्ते के हमने हाइकिंग स्टार्ट की हुई थी। तो हाइकिंग के दौरान और हाइकिंग के बाद हम भूख से मर रहे थे, तो सेवर पे गए हम, वहाँ पे हमने खाना खाया बड़ा हैवी सा, हैवी से क्या सेवर ही खाया, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, देन उसके बाद हमने सबको सी ऑफ किया, अल्लाह हाफिज़ किया, एक दूसरे गले मिले, अल्लाह हाफिज़ चल दिए। जी मुझे इजाज़त दीजिए, आपको होस्ट बाबुर मुनीर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर एरियल की लाइव एडवर्टाइजमेंट हो सकती है तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लग सकता? जी हाँ, वो भी हमने किया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी हमने लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।